हरे कृष्णा। तो आज तीन चीजें लेके आए हैं लॉकडाउन के समय पर। लेट्स सी व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स वी कैन डू इन द लॉकडाउन सेशंस। तो हम इसको करेंगे 3S फॉर्मूला के साथ में। पहला एस साधना, दूसरा एस सेवा और तीसरा एस है स्वास्थ्य। पहला जो एस है साधना, तो लॉकडाउन में हम अच्छी साधना कर सकते हैं। हम अच्छा श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारी किताब लिखी हैं। हम पर्टिकुलर दिन का शेड्यूल बना के उसको टाइम दे के हम पर्टिकुलर किताब पढ़ सकते हैं। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं, हम चैतन्य चैतन्य पढ़ सकते हैं। नाना प्रकार की श्रील प्रभुपाद जी बुक्स लिखी हैं। तो पहला एस साधना कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग है। और साधना में क्या कहेगा, और अच्छे अच्छे टिप्स सुन सकते हैं, अच्छे लेक्चर तैयार कर सकते हैं। हम श्रील प्रभुपाद के टिप्स सुन सकते हैं और बहुत सीनियर वैष्णव के महाराज के टिप्स सुन सकते हैं, अच्छे लेक्चर तैयार कर सकते हैं जो कि लॉकडाउन के बाद में परीक्षा में काम आएंगे और हमारे पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगे। इस प्रकार से साधना के अंदर दो चीजें किया हमने, रीडिंग और हेयरिंग। अब दूसरा आया हमारा सर्विस सेवा। तो सेवा के लिए क्या क्या स्किल चाहिए वो सीख सकते हैं हम। सबसे पहला स्किल्स क्या है, कुकिंग। तो आप आज के इंटरनेट पे बहुत सारे नाना प्रकार के जो है वो वीडियोस मिलते हैं, जहाँ बहुत कुछ नाना प्रकार की भगवान के लिए पकवान बनाने के लिए वीडियो देख सकते हैं। आप शाही पनीर बनाना सीख सकते हैं, आप केक बनाना सीख सकते हैं, आप आइसक्रीम बनाना सीख सकते हैं। बहुत सारे नाना प्रकार के वैरायटी भगवान के लिए, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पिज्जा, सो मेनी वैरायटीज आप सीख सकते हैं। और घर में बैठे म्यूजिक सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं घर में बैठ के, आप हारमोनियम सीख सकते हैं, मृदंग सीख सकते हैं, फ्लूट सीख सकते हैं, म्यूजिक भी सीख सकते हो आप घर बैठे बैठे बैठे। आप पेंटिंग सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हो घर में बैठे बैठे, है ना। और ऐसे बहुत सारे और कोर्सेस हैं जो पर्सनल लाइफ के लिए, मैनेजमेंट कोर्सेस हैं आप सीख सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेस वगैरह आजकल इंटरनेट पर बहुत, हमारे विवेक बिंद्रा सर जो है उन्होंने 6 कोर्स फ्री कर रखे हैं, आप 6 कोर्स सीख सकते हो उसमें, उसको उनके साइट में जाके, है ना। तो नाना प्रकार के हम स्किल डेवलप कर सकते हैं। तीसरा एस स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य रख सकते। प्रभुपाद जी बोलते थे पहले हेल्थ, फिर साधना, देन सेवा। तो हमने देखा है कि इस्कॉन में भक्तों का हेल्थ काफ़ी थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, फिर समय मिलता नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं फिर ऑफिस में चले जाते हैं, शाम का समय मिलता नहीं है। तो हेल्थ का ध्यान दे सकते हो, और अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अच्छा मॉर्निंग वॉक में टाइम दे सकते हैं, मॉर्निंग ड्रग जैसे अच्छा डाइट रख सकते हैं। और आज पर नाना प्रकार के जो हैं यूट्यूब में आपको आयुर्वेद सीखने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। अगर आपका पेट खराब है तो उसके बहुत सारे आयुर्वेदिक जो हैं वो सोल्यूशन दिए हुए हैं, सोल्यूशन हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं वो देखे क्या कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा मेडिसिन क्या कर सकते हैं, हम डिसिप्लिन लाइफ कर सकते हैं लॉकडाउन में। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि समय पे सो जाएं और समय पे उठ जाएं। मैक्सिमम 9:30 तक सो जाना चाहिए भक्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक, 10 बजे सो जाइए और सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के 3:30-4:30 तक मंगलारती से पहले क्या करिए, भगवान का नाम जप के दिए, आपका आठमाला हो जाएगा, मेरा 6 तो हो ही जाएगा। और सर्दन टारगेट रख सकते हैं कि मेरे को आज 32 माला का जाप करना है, हेल्थ अच्छा रहेगा तो जप भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा रहेगा। तो आज हमने आपको लॉकडाउन में घर में रहते रहते 3 चीज़ें बताई। पहला बताया साधना, दूसरा सेवा बताया, और तीसरा बताया स्वास्थ्य बताया। तो चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपका टाइम जो है ऐसा निकलेगा और भगवान की सेवा में लगाएंगे सब चीज़ों को, और इससे हमारा भक्ति और बढ़ेगा और अच्छे मन से भगवान का नाम जाप कर सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद।